अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। क्या हाल है, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ऊपर आई बटन नजर आ रहा होगा। पुरानी वीडियो की प्लेलिस्ट है तो जरूर देखिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये हमारे छोटे मलक सा चोपर कपड़ा देते लेके चलना शुरू हो जाते हैं और ये लिली बैठी है आमने सामने एक दूसरे को देख के, अभी तो घूड़ियाँ डालते रहते हैं फिर एक दूसरे से झुगड़ा झुगड़ा करते हैं। ये मेरा भाई चाउमिन लाया था तो वो मैं खा रही थी, तो अभी मेरी तबीयत पहले से बेहतर है काफ़ी माशाल्लाह से, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन बिल्कुल ठीक नहीं हुई। तो ये हमारे घर में अचानक से गेस्ट आ रहे थे तो मैं बना रही थी चिकन कढ़ाई, मैंने कहा साथ पुलाव वगैरह बना लेती हूँ। तो इसके लिए मैंने चिकन, 1 किलो चिकन है, 2 टमाटर 3 टमाटर मेरे हाथ से लिए, 2 प्याज लिया और लहसुन और अदरक हरी मिर्च का पेस्ट बना लूँगी, इससे झटपट फटाफट बन जाती है। ये जो मैंने पेस्ट बना लिया, मैं हरी मिर्चों का भी साथ डाल लेती हूँ, बहुत अच्छा टेस्ट और फ्लेवर अरोमा बहुत अच्छा आता है, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। ये जी चिकन फ्रीज हुआ हुआ था मेरे हाल से, ये काफ़ी देर पहले की मैंने वीडियो, अभी तो मैं कुछ पका ही नहीं रही क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। इंशाल्लाह मैं ठीक हो रही हूँ तो बहुत नेक्स्ट बहुत अच्छी रेसिपीज़ आएँगी, रमज़ान भी आने वाला है तो फिर मैंने कहा उसकी रेसिपी आपसे शेयर करती हूँ। तो इसके बाद फिर मैंने सबसे पहले चिकन को अच्छे से फ्राई कर लिया, इसमें सिर्फ कड़ी पत्ता सुरख मिर्च और सफ़ेद ज़ीरा ये डाल के फ्राई कर लूँगी, हल्दी कुटी लाल मिर्च और नमक जस्ट ये मसाले डालूँगी, इसके अलावा कुछ भी नहीं डालेंगे और झटपट तैयार हो जाती है, फटाफट चिकन फ्राई हो जाएगा। फिर इसमें प्याज डाल देंगे, चिकन सफ़ेद ज़ीरा और कड़ी पत्ता डाल के फ्राई करना है, जब चिकन हल्का हल्का फ्राई हो जाए फिर इसमें साथ ही प्याज डाल दें, प्याज डाल के फ्राइड लाइट से गोल्डन पिंक होंगे तो फिर इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के अच्छे से भून ले, टमाटर डाल के रख दे, चॉप करके डाल दे, ग्राइंड करके डाल दे, मैं तो कहती ग्राइंड ही कर ले लेकिन मैं ज़्यादा ग्राइंड करना छोड़ दिया। और ये जी हमारे प्याज हो गया गोल्डन से, अब इसमें हम डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, इसको अच्छे से फ्राई करेंगे भून लेंगे ताकि अदरक लहसुन की खुशबू ना, कच्चेपन की खुशबू ना आए। फिर सारे मसाले डाल देंगे, प्लीज़ जिन्होंने मेरा सब्सक्राइब किया वो तो देख लिया करें प्लीज़, जितना आप व्यूज़ आएंगे तो तभी तो मेरा चैनल चलेगा ना, 6 माह हो गए कोई देखता ही नहीं, चले जो देखते हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया, टाइम निकाल के मेरा व्लॉग देखते हैं। अल्लाह आप सबको सेहत अन शिफा दे और आप सबकी दिली मुरादें पूरी करें, आपको भी तरक्की दे, आमीन सुम्मा आमीन। ये जी सारे मसाले डाल दिए, थोड़ा सा पानी डालूंगी, वैसे पानी डालते नहीं है लेकिन मैं मसालों में पानी ज़रूर डालती हूँ, नहीं तो मसाले मुझे लगता है जल जाते हैं। अल्लाह जन्नत नसीब करे, ज़ुबैदा आपा को कहती थी जब भी आप ऑयल में मसाला फ्राई करने के लिए डालें थोड़ा सा पानी डाल दें, नहीं तो आपके मसाले तेज़ ऑयल में जल जाते हैं, तो इस वजह से मैं भी डाल देती हूँ क्योंकि पहले टीचर तो वही थी उन्हीं का बचपन में मैं देखती थी सारी रेसिपीज़ और फिर ऐसे देख देख के टीवी से इधर उधर, फिर मुझे भी कुकिंग का बहुत शौक आ गया था। मेरी फ्रेंड है यूके में होती है सबा, तो वो माशाल्लाह से बहुत अच्छी, जब हम कंप्यूटर कोर्स कर रहे थे साथ में पढ़े थे डिप्लोमा तो रोज़ आके बताती थी आज मैंने ये डिश बनाई वो बनाई, मेरे भाइयों ने बहुत तारीफ़ की तो उससे मुझे इंस्पिरेशन मिली कि हैं खाना बनाने वाले कितनी तारीफ़ होती है, कितना प्यार करते सब। फिर उससे देखो देखे फिर मैंने भी खाने को कहती, मैं मैगजीन से देख के इधर से देख के ये रेसिपी ट्राई वो रेसिपी ट्राई की, जो अखबार जहाँ आता था उसमें भी और दूसरे भी, फिर मैंने भी टीवी चैनल से देख के इधर उधर सबसे देख के तो बनाना शुरू कर दी, तो मेरी भी सारे बड़ी तारीफ़ को, मुझे तो इतने ही नाम मिले हुए हैं अल्लाह का शुक्र है मेरी बाजी मुझे चीज़ें नई नई कुकिंग के ला के देती थी, हरी मिर्च डाल के इसको टमाटर डाल के अच्छे से मैंने ग्राइंड पे मसाला भून लिया, मसाला भून के हल्का सा मैं ग्रेवी के लिए मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया क्योंकि बिल्कुल खुश्क कोई भी नहीं खाता, और हमारी रेसिपी तैयार है वो हरी मिर्च हरिया धनिया डाल के गार्निश कर लें। और जो हमारे छोटे मलक साहब जी जा रहे हैं सोते हुए उठ के ऐसे ही चलना शुरू कर देते हैं तो मुझे बड़ा अच्छा सा सीन लगता है, तो फिर मैं ऊपर से इसकी शॉल उतारती थी, मैं कहती है चलो जी कितना प्यारा लगता है जैसे चौधरी साहब होते हैं मलक साहब होते हैं ऐसे चलते हैं वैसे लगता है। ये जी मैं झटपट पुलाव बना रही थी, मैंने प्याज फ्राई किया, उसमें मैं फ्राई होकर थोड़ा सा पानी डाल के सारे मसाले नमक मिर्च सब डाल दूँगी और फिर दालचीनी सफ़ेद ज़ीरा डाल के चिकन डाल के तो मैं इसको भून लूँगी, फिर इसमें पानी डाल के चावल डाल के हमारा पुलाव तैयार। ये झटपट पुलाव ऐसे बनता है, अगर अचानक से फ़ोन किसी गेस्ट का है हम आ रहे हैं तो मैं तो वैसे ही बनाती हूँ और बहुत मज़े का टेस्टी सा बनता है। ये जी मसाला भून के इसमें मैंने आप चिकन डाल दूँगी, चिकन डाल के भून लेंगे, इसके बाद रेसिपी बनी नहीं क्योंकि फ़ोन आ गया कि वो जो गेस्ट आ रहे थे हम नहीं आ रहे, तो फिर मुझे याद ही नहीं, मैंने कहा ओहो, फिर मैंने डिसाइडेड होगी तो मैंने वीडियो बनानी छोड़ दी, लेकिन बाद में फिर 1 घंटे बाद उनका फ़ोन आ गया हम आ रहे, मैंने कहा चलो खाना
वेस्ट नहीं हुआ, लेकिन मेरी रेसिपी तैयार नहीं हुई। मैंने बस इसमें इसको अच्छे से भून लिया था, इसमें पानी डाल के रख दिया था। ये जी हमारा इतना प्यारा सा पहाड़ी बकरा आया, वो गेस्ट हमारे बकरा लेके आए थे, इतना प्यारा हमने मंगवाया था माशाल्लाह से। इसको देख के मेरा दिल कर रहा था पपिया जफिया कर लो, मेरी बाजी कहती बस बकरा भी आ गया, बस एक खोता तो कुकड़ी रह गई वो भी ले आओ। ये हमने सदके लिए मंगवाया था, मैंने बताया था ना, हम सब अल्लाह का शुक्र है बहुत बहुत बुरे वक्त से गुजरे, हमारे बहुत ही मुसीबतें एकदम से आ गई थी, सारे बहुत पूरी फैमिली बहुत सब, मेरा बड़ा छोटा भाई भी बाजी मैं हर ओरियो, सबसे पहले ओरियो स्टार्ट हुआ था, सब इतने बीमार हो रहे थे अल्लाह पता नहीं ऐसे कोई पता नहीं क्या हो गया था, मुसीबत आई हुई थी। फिर ये मंगवाया था सदके के लिए, ये मैंने शेयर तो नहीं था करना, वैसे ही इनको बच्चों के लिए बनाई थी, इतना डर रहे थे दोनों इसको, अजीब तरीके से ओरियो और लिली देख रहे थे। तो फिर हमने इसको दर्स में भेज दिया, दर्स में हमारे पास ही मस्जिद है, वहाँ पे बच्चे भी यतीम पढ़ते हैं, तो उनके लिए मेरा भाई करता है हम इसको घर में रख के पाल लेते हैं। लेकिन इसने एक रात में इतना गंद बचाया और सारी रात वाह माँ माँ बोलता रहा, इसके पास बैठो तो ये चुप कर जाता था और दूर जाओ तो रोने लग जाता था, इसलिए फिर हमने दर्स में भेज दिया। हमने कहा वो पालेंगे, वही जो करना होगा कर लेंगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।